हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऊपर फायर की गई गोली कहाँ जाती है? क्या ये वापस जमीन पर गिरती है? और अगर ये किसी के ऊपर गिर जाए तो कितना घातक सिद्ध हो सकती है? तो दोस्तों, जब गोली फायर की जाती है तो गोली बंदूक से बहुत तेज गति के साथ बाहर निकलती है, लेकिन जब गोली ऊपर की ओर जा रही होती है तो गुरुत्वाकर्षण एवं हवा के भारी घर्षण के साथ धीरे धीरे स्लो होकर रुक जाती है और वापस जमीन पर गिरने लगती है। तो वही जहाँ गिरती हुई गोली की स्पीड गुरुत्वाकर्षण के कारण समय के साथ साथ बढ़ती जाती है, वही हवा का घर्षण बल भी बढ़ता जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब हवा का घर्षण बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल समान हो जाते हैं, जिससे गोली की वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाती है और अब चाहे गोली कितना भी नीचे गिरे इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ती और वो 60 से 90 मीटर पर सेकंड के बीच ही रह जाती है। पर इसकी स्पीड इतना घातक जरूर होती है कि ये किसी भी इंसान को बुरी तरह से जख्मी या मौत के घाट उतार सकती है।